नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम योग करेंगे वेरिकोस सेल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पैरों को फैलाएं और एक एक पैर करके पैरों को मोड़ें। अब वज्रासन में जाना है। अगर आप वज्रासन में बैठने में सहूलियत नहीं है तो आप पिलो ले सकते हैं, तकिया लेके, और अपने पैरों के बीच में रखें तकिए को। उसके बाद धीरे से बैठ जाएं, फिर अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रखें और थोड़ी देर वज्रासन में बैठें। हर आसन को हम 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए रोक सकते हैं। धीरे से अपनी आंखों को खोलें और तकिए को हटाएं। फिर अपने दाएं साइड में बैठें और आपका पैर, बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रखें ऐसे। तो आपको देखना है अगर आपकी नी, जो घुटना है, एक दूसरे के ऊपर है तो अच्छी बात है ना, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपका पैर इधर तक है तब भी चलेगा। धीरे धीरे आप करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आपके बॉडी में बनता हो वही करें। उसके बाद अपने दाएं हाथ को ऊपर से लेके जाएं, बाएं हाथ को नीचे से पीछे से पकड़ के दोनों हाथों को आप इंटरलॉक करें। फिर सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जितना आपकी बॉडी में पॉसिबल हो। धीरे से वापस आ जाएं, अपने पैरों को चेंज करें, बायां पैर नीचे, दायां पैर बाएं पैर के ऊपर, फिर बाएं हाथ ऊपर से और दायां हाथ पीछे से ऐसे दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। और अगर आप हाथों से इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक रस्सी ले सकते हैं, रस्सी के साथ आप अपने हाथों से को पकड़ सकते हैं। फिर सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। उसके बाद अपने सांस प्रश्वास क्रिया को सामान्य रहने दें। फिर धीरे से वापस आ जाएं, अपने हाथों को साइड में लेके जाएं ऐसे, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दाएं ओर ट्विस्ट करें। आपके जो हाथ है ऐसे आप पुश कर सकते हैं अपने पैर को, जितना आप पुश करेंगे उतना ज़्यादा आप पीछे की ओर जा सकते हैं। सांस भरते हुए वापस आए, सांस छोड़ते हुए बाएं ओर ट्विस्ट करें। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दाएं ओर
सांस भरते हुए वापस सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। सांस भरते हुए वापस और पैरों को चेंज करें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। वापिस आए, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। सांस भरते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। सांस भरते हुए वापिस और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। वापिस आए और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे बाएं पैर को ऊपर उठाना है, बाएं पंजे को दाएं घुटने के बगल में दाहिने हाथ से पकड़ें, बाएं हाथ पीछे, सांस भरें, अपने मेरुदंड को जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर ले जाने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए बाएं ओर ट्विस्ट करें। सांस भरते हुए वापस आएं, सांस छोड़ें और अपने पैर को चेंज करें। बाएं हाथ से पकड़ें, दाया हाथ पीछे, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दाएं ओर ट्विस्ट करें। सांस भरते हुए वापस आएं और अपने पैरों को फैलाएं। पैरों को सीधा रखें, अपने हाथों को साइड में रखना है जैसे कि आप बोट चलाने जा रहे हो। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं जैसे आप बोट चला रहे हो और सांस भरते हुए पीछे की ओर। धीरे धीरे कर सकते हैं, नहीं तो थोड़े जल्दी जल्दी, जैसे भी आपको उचित लगे आपके बॉडी में। फिर दूसरी साइड, सांस प्रश्वास क्रिया को आप सामान्य रख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद अपने हाथों को ऐसे जमीन पर लगाएं, पैरों के पंजों को आप जमीन पर लगाएं ऐसे, सांस भरें और सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएं और सिर को पीछे की ओर लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए वापिस आए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। उसके बाद अपने दोनों पैर के पंजों को साथ साथ मिलाएं, हाथों से पकड़ें
अपने छाती को, सीने को जितना ऊपर की ओर हो सके उतना ले जाने की कोशिश करें, ताकि आपकी बैक पूरी तरीके से सीधी रहे। फिर अपने पैरों को शेक करें। धीरे से रुकें। एक बार अगर हो सके तो आप अपने घुटनों पे प्रेशर दें, ताकि और भी ज़्यादा प्रेशर मिले आपको इस एरिया में। धीरे से वापस आएं और सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में थोड़ी देर बैठें और जो भी हमने एनर्जी गेन करी है उसको अपने लोअर एब्डोमेन पे दें। जब भी हम योगा करते हैं तो उससे हमेशा एनर्जी गेन होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा को हम हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। धीरे से धन्यवाद दें तो धन्यवाद दोस्तों जिसने भी मुझे इस योग सीरीज में ज्वाइन किया हो, और आशा है कि आपकी हीलिंग जल्द जल्दी हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे योगा विद अमित में ज्वाइन किया, और आशा है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।